नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर में चाहिए पूर्ण बहुमत। जम्मू कश्मीर के साबा में सोमवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोग संकट झेलते रहते हैं, इसके बावजूद इस बार की चुनावी सभाओं में कल्पना से ज्यादा जनसैलाब उमड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इतनी भीड़ देखकर मैं हैरान हूँ। मोदी ने कहा कि भाजपा विकास करने में यकीन रखती है, राज्य में विकास की जरूरत है, इसलिए आप टूटी फूटी और आधी अधूरी सरकार मत बनाना, बल्कि भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाना। गौरतलब है कि जम्मू और कश्मीर में 9 दिसंबर को तीसरे दौर की वोटिंग होनी है। इससे पहले हुए दो चरणों के चुनाव में जम्मू और कश्मीर में 70% से भी अधिक वोट पड़े थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट कल से, ह्यूज को देंगे श्रद्धांजलि। फिलिप ह्यूज के हादसे में मौत के कारण टेस्ट सीरीज से पहले दोनों ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ भले ही कोई बयानबाजी नहीं कर रही हों, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया मंगलवार को लीडर टेस्ट में एक दूसरे के खिलाफ पूरे दमखम से उतरेंगे। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अभी तक अंगूठे के हेयरलाइन फ्रैक्चर से उबर नहीं सके हैं, लिहाजा पहले टेस्ट में कप्तानी विराट कोहली के ही हाथों में होगी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए राहत की खबर है कि उसके कप्तान माइकल क्लार्क मैच के लिए फिट घोषित किए गए हैं। मंगलवार को जब दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरेंगी तो जज्बात का तूफान उमड़ रहा होगा। एडिलेड ह्यूज का दूसरा घर था, इसीलिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट यहां आयोजित किया है। मैच शुरू होने से पहले ह्यूज को श्रद्धांजलि दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने ह्यूज को भारत के खिलाफ अपनी राष्ट्रीय टीम का 13वां खिलाड़ी बनाया है और यह वादा किया है कि उसे अलग अलग तरीके से श्रद्धांजलि दी जाएगी।